गुड मॉर्निंग एंड हेलो बैक टू द चैनल एक और नई दिन एक और नई शुरुआत। और आज हम मेरा और आदित्य का आज पुणे में है लास्ट डे मतलब कि 20-25 दिन के लिए लास्ट डे है एंड इस साड़े का तो परमानेंट लास्ट डे है, बट इसका है 19 तारीख को। पर हम तो आखिरी बार ही मिल रहे हैं आज, इससे शाम तक मैं यहाँ पे हूँ, शाम तक मैं रोई कैसे तैसी कर दूंगा। हाँ बता क्या कह रहा था, बोलना बोलना आखिरी दिन वाले बोल बोल बोल। ठीक है अभी हम लोग, तेरे को क्या नाम था? मेरा चाबी देख। हाँ इसको एक चाबी डुप्लीकेट करानी है क्योंकि हमारे पास एक ही चाबी है इधर फ्लैट की, तो अगर वापस आए तो दिक्कत हो सकती है। और दूसरा प्रॉब्लम इस कि मेरे को जाना है कहीं पैसे पता करने जो हमारे बैग का वेट कर दे, क्योंकि मैं सिर्फ 25 किलो ले जा सकता हूँ, बट मेरा बैग ऐसे दिख रहा है जैसे कि 200-300 किलो का होगा, तो उसका कहीं पे वेट वेट सही करवाना है। शर्त लगी है कि ये जो बैग है ये 15 किलो से नीचे होगा, 15 किलो तक होगा, 15 किलो तक, चल मैक्स 15 kg। तुमने 20 बरस में कुछ सामान डाला है, पागल है क्या यार, उस बैग में घुसाने की जगह नहीं है। अगर अगर हुआ तो कोल्ड कॉफी है ना, नहीं हुआ तो कोल्ड कॉफी डन तेरी तरफ से। हाँ ठीक है भाई, बढ़िया सी बैठ लग गई कि बैग का वेट कितना होगा। आदित्य कहता है कि ये होगा 15 किलो तक, और मैं कह रहा हूँ 15 से ऊपर है क्योंकि 25 के आसपास है। राज तेरे को क्या लगता है वैसे, ये शर्त पे नहीं है अलग से, 15 से नीचे 15 से ऊपर, 20 से ऊपर ना? एग्जैक्टली, पर आदित्य बहुत क्लेवर बनता है और उसको बन गया है पुलक। चलो 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 गाइस, आदित्य के प्रूफ के लिए पूरे रास्ते ही टाइम लैप्स रिकॉर्ड करूँगा मैं। अपनी कोल्ड कॉफ़ी नहीं छोड़ूंगा। बहुत ज़्यादा घूमने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम तीनों साथ में आखिरी बार रॉय की विदाई से पहले वो करने चलेंगे। क्या करने? रॉय की विदाई से पहले हम दोनों की विदाई हो रही है। हाँ चलो ठीक है, मेरे को मेरा इंट्रो लेने दे। ओबे हाँ यार, रॉय से पहले तो हमारी विदाई हो रही है, यहाँ कोई इंट्रो नहीं होगा, तू मेरे हर बार ब्लॉग में घुस जाता है। हेलो हेलो वेलकम गाइस बैक टू तेरा कितना चल रहा बता दे, चल 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 तू चल बाहर चल। भैया कोई फ्लैट खाली हो रहा है क्या? कौन सा वाला हो रहा है? कौन सा हो रहा है दिखाओ। अरे दिखाओगा क्या, रेंट पे है या? अच्छा ठीक है ये कॉन्टी सी कड़ी थी वहाँ पे, यू बोल रही थी मैं गलत करती हूँ। तो यार ये ब्लॉग हमारे लिए थोड़ा सा इमोशनल है, गाइस सुअर देख लो। क्यों इमोशनल है? क्योंकि हमारा भाई हमारे को छोड़ के ये गाइस हमारे लिए बहुत इमोशनल है ब्लॉग। क्यों इमोशनल है? क्योंकि हमारा दोस्त आज नहीं रहा हमारे बीच, हमारे साथ नहीं रहा, क्योंकि अभी हम दोनों के बीच में वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि हम दोनों ने स्पेस नहीं दिया उसको, पैडिंग स्पेस नहीं दिया भाई, गटर स्पेस दे से बीच में। हाँ भाई गटर में थोड़ा सा, क्योंकि वी आर डिजाइनर्स ना, तो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग आज पुणे छोड़ रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये आज शाम को आदित्य छोड़ रहा है फॉर द नेक्स्ट टाइम। भाई हम कपल्स वाले वो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं आते हो, ऐसे 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 आते ऐसे ऐसे ऐसे। अरे यार कर लेने थोड़ा रिकॉर्ड कर लेना, तू कौन कह रहा है? फॉर द टाइमिंग हम लोग पुणे छोड़ रहे हैं और अभी पता नहीं हम लोग कब वापस आएंगे। ओके तो अभी मैं और दीपांश तो निकल रहे हैं ट्रेन से। ओए तू जा रहा होगा ट्रेन से करीब, मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ गाइस, फ्लाइट से जा रहा हूँ, ट्रेन से निकल रहा हूँ, मेरा घर बहुत ज्यादा दूर है इसलिए मैं फ्लाइट से, देर से ज्यादा दूर मेरा फिर भी जयपुर वाले सारे हमारे बीच जो नहीं रहने वाला है आगे वो है रॉय जो निकलेगा 19 तारीख को। अब यही है ना, गरीब लोग अपनी गाड़ी तो दिया थे स्टेशन पे जाके और मेरी गाड़ी के तेल उड़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तेल भी मुंह पे फेंक के मार सकता हूँ ऐसे, अब फेंक के मारेगा पक्का, कल के ब्लॉग में देख लो। नहीं नहीं, तेल मेरे को फेंक के मारेगा मुंह पे। हां तो तेल फेंक के मारूंगा ना जो सर पे लगाया है, तीली मत फेंकना जो सुबह सुबह अपने दोस्तों को कॉल करके गाड़ी मांगता है। एक ऐसे होते हैं जो अगर एक महीने के लिए भी घर जा रहे हैं ना, एक महीने के लिए भी घर जा रहे हैं तो गाड़ी लेके जाते हैं। चल 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 चल, आप देखते हैं आदमी खर्चा करेगा नहीं करेगा। अरे नहीं ये बंदो वहाँ फलूदा वाले भी जा रहे हैं, फलूदा अलग से खिला दियो। चला
गाइस बनिए ने खर्चा किया है। अरे यार जब खर्चा करते हैं ना सारा भाई, अच्छा एम्प्लॉय बन पाया ना, अच्छा बनिया बनिया होके खर्चा कर रहा है तूने। अरे यार मेरा जाने से पहले एक ही सपना है, क्या फाड़ना? क्यों भाई, इसमें छेद हो रहा है जगह जगह, मेरी फेवरेट टी शर्ट है तो इसमें स्टाइल आएगा। अगर वापस आता है ये तो मिलूंगा इससे, ये तो पता नहीं कब मिलूंगा। रोना तो नहीं आ रहा मेरे को देख के, रोना तो नहीं आ रहा, मेरे पास है पानी निकल रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ भी बोलता है यार, ये कुछ भी बोलता है यार, अभी निकले क्या बोल रहा है? कुछ नहीं भैया, चलो चलते बनो। जब निकलेगा तो बता दियो, मैं तब तक डिस्टर्ब मत कर, हमें सीरीज देखने दे। टाटा बाय बाय, इधर हो के जाना वहीं से, क्या टाटा बाय बाय आंटी जी, आप भी आ रहे हो, हमें भी उठना है क्या? रॉय बता, रॉय बता, चलो कुली 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 कुली, वो वाला बैग भी जाएगा रेड वाला बेटे, आधा रॉय फिर, और उसके बाद भी तो सामान छोड़ के जा रहा है इतना ले जाने के बाद भी। घर की चाबी तुम्हारी, तुम्हारी गाड़ी में धक्का लगा, पीछे चावल फेंकूंगा मैं, और बाबुल की दुआएं देती जा लगा तू। वो तो वेन, वही मैं कहूँ, मैंने कहा वही मैं कह रहा था, मैंने वेन्यू तो कोई लगाया नहीं, कभी अगर आए तो होगा क्या मतलब, आएगा तो तू वैसे भी, आएगा तो तू वैसे भी, चल खोल इसे। नीचे रख ले इसको। ओके चाचा, चाचा छोड़ हो, चाचा दफा हो जाओ, चलो बाय बाय, ठीक है बाय बाय, चलो बाय बाय, ठीक है गाइस पहुंच के बताना आप, चल बाय बाय, देखता हूं मैं तेरा दूंगा प्लान बनाऊंगा तो बता, डन। हां रॉय बाय बाय, रॉय बाय 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 बाय, अरे सीधा धक्का लगाने आ जाओ, धक्का लगाने तो नहीं आना, चावल फेंकने, धक्का लगाने इधर था, आज क्या धक्का लगा के चावल फेंकने तो नहीं आना। मैं खुशी हो रही है मुझे, दुख एक सेकंड का नहीं हो रहा, अकेले का फ्लैट बनेगा हमारा, रोजा रो रहा है तू, आंखों में आंसू है तेरे, मेरी आंखें देख 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 देख, मेरी आंखें देख देख, मेरी आंखें देख देख, मेरी आंखें देख, हट भैया ऐसे लगे, निकलो ना जल्दी, चलो टाटा आजा, अब क्या तू बाय करके आएगा, आजा ना, हो गया इसका। चलो गाइस एक मेंबर हमने अपना काम कर दिया है, है वेट करना पड़ेगा ना, हुस क्राइंग, हुस क्राइंग, हुस क्राइंग, वेयर क्राइंग, टेल मी फ्रॉम वेयर, वेयर डू यू सी मी क्राइंग? अरे अंदर से, अंदर से, हां अंदर से गाइस, आधे घंटे में अब मेरा भी सिस्टम है निकलने का, जिसकी वजह से मैंने ये मास्क खरीद लिया है, द रीजन बीइंग क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा कफ एंड कोल्ड है, तो मैंने विक्स लगाई है नोजी में और मास्क ले लिया ताकि हवा ना लगे, ठीक है, और थक गया यार मैं अभी से ही, बिना कुछ चले ही, आदित्य सर अपनी स्कूटी की चाबी लेके गए जिसकी वजह से हमें हर जगह पैदल जाना पड़ेगा। गाइस अपना भी टाइम हो चुका है निकलने का, बाकी सब तो ठीक है, मुझे बस इसी का डाउट है कि ये मेरे को हाथ में लेके जाने देंगे नहीं जाने देंगे, अगर ये नहीं ले जाने दिया तो दिक्कत होगी, क्या क्या जाने देंगे, ठीक है बाकी ये तो मेरे को जाने देंगे, ये मेरा वेट में कम है यार, ये बेड आई विल मिस दिस बेड, ये मेरा बेड था जो बहुत गंद फैला हुआ है, एक ही बैग रह गया मेरा बस, बाकी मैं अपना सब ले गया, चल रहा है ना नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ रॉय भाई से मिल रहे, हाँ उस बैग के अलावा मेरे यहाँ पे शूज़ भी रह गए, इस पूरे बैग में मेरे शूज़ भरे पड़े हैं जो मैं सारे छोड़ के जा रहा हूँ सिवाय एक के, और इन सब के अलावा एक और चीज़ जो मेरी यहाँ रह गई, दैट इज़ माई मनी प्लांट, ये रहा देखो मेरा मनी प्लांट, बस बाकी तो सभी आ गया, चाबी ले ली ना, और कुछ तो नहीं छोटा है, तो अब बता दे तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है पूरी इंटर्नशिप का? ओ फर्स्ट क्लास, वो मजा आ गया यार, मजा आ गया, ईवाई में मजा आया, हमारे साथ मजा आया, ईवाई में मजा आया भाई, और हमारे साथ फर्स्ट क्लास इंटर्नशिप, हमारे साथ, अरे तुम तो इग्नोर मारते थे, तुम तो काम ही नहीं करते थे भाई, ऐसा आदमी है ना, अबे नहीं सीरियस वाला पूछ रहा हूं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, चल तू आदित्य को तो जानता था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद मी, विद मी, ओ भाई कैसे घुस रहा हूं मैं, गुड एक्सपीरियंस विद एवरीबॉडी, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, ओ एवरी एवरी, अरे मजा आ गया, मजा गाइस, कैसे झोला झोला लेके जा रहा हूं मैं, बट ठीक है
अभी मेरे को बहुत गर्मी लगी है, देखो कैसे टी शर्ट पे जा रहा है, बट मैंने इसको ओवरलोड करके पहना, इसके अंदर भी टी शर्ट पहनी है सो दैट मेरा लगेज सारा ठीक ठाक हो जाए। ओके बकर वगैरह करवा लो ठीक है। तेरे को हमारी याद तो आएगी नहीं ना थोड़ी सी भी कितनी बार पूछा ये भी बोल रहा एक बार आ नहीं कर रहा साला आराम भी थोड़ी सी तो आएगी आनी चाहिए ना 0.5% की आएगी आनी चाहिए यार भाई तो हमारे साथ छह महीना रह लिया क्या मेरे काम आया हाँ मैं तेरे को दो बार घुमाने लेके गया, एक बार पातालेश्वर लेके गया, एक बार और अबे ओ पातालेश्वर मैं लेके गया था ठीक है ऐसा रैपट मारू ना मैंने बोला था चल तो चलो ब्रदर ओके मिलेंगे किसी दिन मिलेंगे बहुत जल्दी मिलेंगे बहुत जल्दी या किसी दिन दिन मिलेंगे यार जल्दी चल ध्यान रख जब घर पहुंचेगा बताइयो ओके बड़ी बाय निकल गए ना हाँ कोई नहीं क्या टाइम बता रहे हैं एस्टिमेटेड एक घंटा दस मिनट चलो ठीक है पहुंच जाएंगे किलोमीटर भी कम है तेईस किलोमीटर हाँ 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 चलो ठीक है बढ़िया है आपको क्या मिलना मुश्किल था हाँ भैया रहेगा पर आपका बढ़िया हो गया आपको इसी सोसाइटी में छोड़ा आपने यहीं से मिल भी गया है ना खाली जाते वरना ये पड़ेगा ना अपने को येड़ वाला जेल वही है ना जहाँ पे संजय दत्त भी था तो रास्ते में तो पड़ेगा अपने को पागल खाना भी पड़ेगा अच्छा हाँ वो दिखाना मेरे को दोनों और पैर टूटने के बाद आई मीन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो इस हॉस्पिटल में आया था मैं ये लोपमुद्रा नहीं इधर ही आया था मैं कौन हाँ ऐसे में आया था लोपमुद्रा में इधर 300 रुपये की मेरे पट्टी बांधते थे जो घर पे मैंने 50 रुपये की बनवाई अपने हाँ क्या कह रहा था मैं कि जब जिस दिन हम लोग पुणे आए थे ना उस दिन हम लोग लीस्ट इंटरेस्टेड थे इस जगह के साथ मतलब बिल्कुल भी ना अच्छा लगता था ना कुछ होता था बट अब जब जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बुरा लगना शुरू हुआ है जगह के बारे में लोगों के बारे में नॉट एग्जैक्टली जगह के बारे में बट लोगों के बारे में मतलब आई विल गोना मिस आउट सम पीपल अभी आई एम इवन नॉट 5% श्योर कि मैं पुणे वापस आऊँगा या नहीं अगर आ गया तो आई वॉन्ट गोना मिस एनीबडी दैट इज़ फॉर श्योर अगर नहीं आया तब सीन्स अलग है सब यार बहुत सारे देखो हमारा ग्रुप तो पहले अलग हो गया था शिफाली और आकांक्षा और सुभश्री ये लोग तो पहले ही अलग अलग हो गए थे बाकी उसके बाद मनोज सर हो गए प्रतीक को तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था देन मनोज सर हो गए आकाश सर हो गए इन लोगों के साथ अपनी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी मनोरंजन सर हो गए ठीक है देन दीपांशी मैम तो मेरी कॉलेज की सीनियर थी बट फिर भी उनके साथ मेरी कभी कॉलेज में उतनी बात नहीं थी बट यहाँ आके तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छी वाइब हो गई I'll gonna miss these people for sure and Aditya Shayan तो है ही मतलब भले ही कितना भी मजाक मस्ती लड़ाई फड़ाई कर ले हम लोग पर जो एक बॉन्डिंग बन जाती है साथ रहने से साथ काम करने से वो वाली चीज़ें तो आई तो ठीक है I'll gonna miss these people for sure वापस आ गए तो मस्ती मजाक तो चलेगा अपना आने के चांसेस है वैसे देर आर 70% चांसेस कि अपन वापस आ जाएंगे बट आई एम नॉट श्योर कि आना है या नहीं आना है या कब आने वाला वो जो है क्या बोलते हैं MC Stan उसकी बस्ती भी तो यही है ना कहाँ पे है वो यहाँ से कितना दूर पड़ता है मतलब कहाँ पे पड़ता है वो MC Stan नहीं है आपका जो बिग बॉस में भी आया था अभी रैपर है जो समझे आप कौन नहीं। अरे एक आपका पुणे का ही तो एक रैपर है जो बहुत फेमस हुआ था अभी बिग बॉस में भी आया था MC Stan नाम से नहीं 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 गोल्डन मैन तो अलग हो गया है वो रैपर है आपका वैसे कैसे बताऊं मैं आपको दिखाता हूं क्या पता आप समझो यहीं पे किसी बस्ती से ही आया है वो गायक गायक बोल रहे गाना बोलने वाला हाँ 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 वो इधर चुनचोड़ का है ना वो शायद पता नहीं मेरे को किसी बस्ती से है बट हाँ चुनचोड़ का ही अच्छा 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 गाना अच्छा बोल तो गायक हाँ हाँ सिंगर हाँ 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 कहाँ है अच्छा ये पागल खाना है ये जो लिखा ना डूबने ले ओ इधर है पागल खाना अच्छा 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 तो पुणे का सबसे बड़ा पागल खाना है महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का इतना बड़ा है देखो बाउंड्री दिख रहा है अच्छा आगे तो अच्छा इसके बाद जेल लगता है अच्छा
तो ये भी सबसे बड़ा जेल है ना यहाँ का, ये वही है जिसमें संजय दत्त भी था, संजय दत्त सलमान खान था, सलमान खान भी इसी में था। अच्छा ये अपना बम्बई का डॉन आरुण गवली, अच्छा डैडी डैडी बोलते ना डैडी, हाँ हाँ वो भी इधर ही। अभी छुट्टा लगा, छुट्टी के दिन में चले गए वो मने भाई होने का मराठी फिल्म था मने भाई गुंडा, हाँ बम्बई का डॉन, हाँ डॉन, हाँ वो सब इधर ही थे लोग। अच्छा तो एयरपोर्ट में आ चुका हूँ और ये ट्रॉली भी ले ली है क्योंकि सामान थोड़ा सा ज़्यादा है इसके चक्कर में। तो वैसे मेरा प्लान है कि ये हेलमेट और नीचे वाला बैग ये तो मैं एयरपोर्ट में अंदर ही ले जा लूँ, बाकी मेरे को दिक्कत होगी हेलमेट के साथ थोड़ी बहुत जो हो सकती है, बाकी सब तो सॉर्टेड है मेरा। मेरे को देखना है वो कहाँ पे है इंडिगो 60। आज तो यहाँ पे रश ज़्यादा है तो आज मेरे को यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, उसके अलावा तो बाकी सब तो अपना हो जाएगा। डी जी यात्रा से मैंने अपना बोर्डिंग पास बना लिया तो मेरे को उसके में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बस एक बार अपना चेक इन देके और आई स्ट्रेट अवे गोइंग। तो यार सब बोर्डिंग वगैरह हो गया है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया है और मैं ऑलरेडी एक घंटा जल्दी हूँ अपनी फ्लाइट से, बट ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, हम फटाफट चल रहे हैं ऊपर, अपनी जगह पकड़ते हैं, बैठते हैं और निकलते हैं। फाइनली बहुत ज़्यादा बहस बहस करने के बाद उन्होंने मेरे को हेलमेट लास्ट में अलाउ कर ही दिया था फ्लाइट में लाने के लिए, पहले वो लोग मना कर रहे थे, देन मैंने उनको बोला कि हेलमेट या तो आप मेरा चेक इन करवा दो, क्योंकि मेरे पास ना अपना वेट कैपेसिटी था, मतलब मेरे को अलॉटेड वेट वॉज 25 kg क्योंकि मैंने स्टूडेंट पोर्टल से अप्लाई किया था एंड मेरा टोटल वेट हुआ था 17.5 kg, तो ये मेरा जा सकता था बट मेरे बैग में अंदर स्पेस नहीं था, उन्होंने साइड में रखने की बजाय मेरे को उसको अलाउ कर दिया काफ़ी बहसबाजी के बाद, पर ठीक है पहुंच गया अपन दिल्ली। तो भाई नॉर्थ में आते साथ ही नॉर्थ की खुशबू अपने को मिलने लगी है, लगेज कलेक्ट हो गया है मेरा और फटाक से चल रहा हूँ पिकअप पॉइंट के लिए, ऊबर भी बुक कर दिया है प्रशांत बैग रूम के लिए, वहाँ जाऊँगा सोऊँगा, कल रेलवे स्टेशन जाऊँगा बाइक लूँगा घर निकल जाऊँगा फटाक से, इसमें से कुछ सामान यहीं छोड़ के जाऊँगा तो वो देखते हैं कब कैसे आएगा बट निकल जाऊँगा बस कल ही। और पुणे में मेरे को आज तक ठंड लगा भाई, यहाँ पे मैंने एक हुडी उसके ऊपर जैकेट फेस मास्क सब लगा रखा और इतना भयंकर ठंडा हो रहा है कि क्या बताऊँ। आई विश मैं अपना फेस रिकॉर्ड कर पाता बट आई कांट क्योंकि बैग के साथ मैं पकड़ नहीं सकता उसको, वेट थोड़ा ज़्यादा है मेरे पास। ये लो दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली गाइस, ठीक है पहुँच गए हैं फटाक से, अभी 25 मिनट लगेंगे मेरे को गिटार नहीं पहुँचने में यानी कि प्रशांत भाई के रूम के पास और बस उसके बाद जाकर सो जाऊँगा, बस फिर सुबह एक बार लॉगिन करूँगा ऑफिस में, काम हुआ तो काम करूँगा अदरवाइज़ घर के लिए निकल जाऊँगा, और काम हुआ तो कल शाम में ऑफिस के बाद घर के लिए निकलूँगा यानी कि रात में, ठीक है। और तो प्रशांत भाई के पीजी में भी पहुँच चुके हैं मतलब इसमें फ्लैट पर, और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ऊपर तक चलना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3 फ्लोर मेरे को चढ़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ की लिफ्ट नहीं है, तो दिस विल गोना बी अ टास्क फॉर मी। ये 18 किलो का लगेज लेके ऊपर तक चलना क्योंकि प्रशांत भी है तो सो रहे हैं बहुत भयंकर नींद में, अब इतने सारे लगेज के साथ मुझे ऊपर जाना है कैसे जाऊँगा।